दोस्तों, एमजी मोटर्स जल्द ही अपने हेक्टर एसयूवी का फेसलिफ्ट वर्जन इंडिया में दिसंबर मंथ में या फिर 2023 के जनवरी मंथ में लॉन्च करने वाला है। पर एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट के ऑफिशियल लॉन्च से पहले ही इस गाड़ी में मिलने वाले 4 न्यू चेंजेस कंफर्म हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से है वो कन्फर्म चेंजेस। नंबर 1, न्यू इंटीरियर एंड 14 इंच पिक स्क्रीन। एमजी हेक्टर के इस फेसलिफ्ट वर्जन में आपको न्यू डिजाइन वाला डैशबोर्ड मिलने वाला है और उसी के साथ सेगमेंट में सबसे बड़ी 14 इंचेस की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको एमजी हेक्टर के इस फेसलिफ्ट में मिलने वाली है। और इस स्क्रीन को आप हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली रोटेट भी कर सकते हो। और उसके अलावा इंटीरियर में आपको न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा और साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन आईस्मार्ट टैग भी आपको एमजी हेक्टर के इस फेसलिफ्ट वर्जन में देखने को मिलने वाला है। नंबर 2, कॉस्मेटिक चेंजेस इन एक्सटीरियर। एमजी हेक्टर के इस फेसलिफ्ट वर्जन में आपको फ्रंट साइड में और रियर साइड में थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं और साइड प्रोफाइल में कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। बात करेंगे फ्रंट साइड में मिलने वाले कॉस्मेटिक चेंजेस की, तो इस बार एमजी ने अपने हेक्टर में काफी बड़ी ग्रिल दे दी है और उसके ऊपर एंगुलर शेप की क्रोम थीम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बात करेंगे हेडलाइट के डिजाइन और DRL के डिजाइन की, तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं कराया गया है, पर हेडलाइट के सराउंडिंग में आपको न्यू पियानो ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इसकी जो नीचे की साइड वाली ग्रिल है वहाँ पर भी आपको बहुत सारा क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है जो कि करंट हेक्टर में नहीं मिलता था। बाकी अगर बात करेंगे साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आपको कोई भी चेंज नहीं मिलता, आपको सेम 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि करंट जनरेशन हेक्टर में आ रहे हैं। रियर प्रोफाइल में आपको न्यू टेल लैंप असेंबली मिल जाती है और उसी के साथ एक न्यू रेड स्ट्रिप मिलती है जो कि इसके दोनों टेल लैंप्स को कनेक्ट करती है। करंट हेक्टर में आपको हेक्टर की जो ब्रांडिंग मिलती थी वो काफी स्मॉल मिलती थी, पर इस बार इसके फेसलिफ्ट वर्जन में आपको काफी बड़ी इसकी हेक्टर नेम की ब्रांडिंग मिलने वाली है, सेम जैसे कि हमने ग्लॉस्टर में देखी थी। और उसके अलावा इसका जो रियर बम्पर है उसका भी डिजाइन चेंज कराया गया है। नंबर 3, एडास फीचर्स। एमजी हेक्टर में आपको अभी तक एडास फीचर्स नहीं मिलते थे, पर जैसे कि सभी कंपनियां अभी इस सेगमेंट की गाड़ी में एडास फीचर्स देने लगी है, लाइक XUV700, MG Aster, तो उन गाड़ियों की तरह ही एडास फीचर्स भी आपको इसके फेसलिफ्ट वर्जन में मिलने वाले हैं, जिसमें आपको लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और इसके जैसे बाकी बहुत सारे एडास के फीचर्स मिल सकते हैं। और साथ ही साथ इसके टेलगेट पर भी एडास की ब्रांडिंग आपको इसके फेसलिफ्ट वर्जन में देखने को मिलने वाली है। नंबर 4, सेम पेट्रोल एंड डीजल इंजिन्स। एमजी हेक्टर के इस फेसलिफ्ट वर्जन में आपको सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस और कुछ न्यू फीचर्स ही ऐड हुए हैं। इसके अलावा इसके पेट्रोल या फिर डीजल इंजन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो पेट्रोल और डीजल इंजिन्स आपको इसके करंट मॉडल में मिलते हैं, वही सेम इंजिन्स आपको इसके फेसलिफ्ट वर्जन में भी मिलने वाले हैं। तो ये थी 4 कन्फर्म डिटेल्स एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।